यूरस, अ मिनिमल लुकिंग स्मार्ट इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक, जिसे इंट्रोड्यूस किया है अ पुणे बेस्ड आउट कंपनी फेलिडे इलेक्ट्रिक ने। यूरस एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक है जो क्वालिटी कंपोनेंट्स के साथ आता है, बट जो खास बात है वो है कि एक GPS इनेबल्ड ई बाइक है जो एक स्मार्ट ऐप के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जान लेते हैं इस बाइक के बारे में डिटेल में। So hi, this is Ajay and welcome to InfoTalk. Eurus एक सिंपल बट स्टाइलिश एंड मिनिमल लुकिंग स्मार्ट इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक है, जिसकी 19 इंचेस फ्रेम को क्राफ्ट किया गया है अलॉय स्टील से, विच इज स्ट्रॉन्गर बट स्लाइटली हेवियर देन एल्युमिनियम अलॉय, और इसीलिए इंक्लूडिंग बैटरी इसकी टोटल वेट है करीब 23 kgs, और ये बाइक करीब 150 kgs तक लोड उठाने का क्षमता रखता है। The bike runs on a 36-volt and 250-watt geared brushless DC motor, जो कि compact है, lightweight है और ज़्यादा noise भी produce नहीं करता। और ये motor maximum 32 Nm की torque generate कर सकता है, जबकि इसकी top speed है only 25 kmph। और इस speed को achieve करने के लिए bike को सिर्फ 6 से 7 seconds लगता है। इस मोटर को पावर देने के लिए इसमें बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आपको सैमसंग या फिर एलजी का 36 वोल्ट एंड 7.8 लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि एक डिटैचेबल बैटरी है और ये एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आता है। इस बैटरी की लाइफ साइकिल्स की बात करें तो इसकी टोटल लाइफ साइकिल्स है करीब 750, और इस बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है करीब 9,800 रुपीज। इस बैटरी को फुल्ली चार्ज होने में लगता है करीब 3 से 3.5 घंटा, और पर चार्ज ऑन थ्रॉटल मोड इसके साथ आपको 30 से 33 किलोमीटर की राइडिंग रेंज मिलेगा। वहीं पे ऑन पैडल असिस्ट मोड ये बाइक आपको देगी करीब 50 से 60 किलोमीटर की राइडिंग रेंज। बट ये रेंज वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपन बॉडी वेट, रोड कंडीशन एंड द लेवल्स ऑफ असिस्टेंस यू हैव सिलेक्टेड। वैसे इसके साथ आपको 5 लेवल्स ऑफ असिस्टेंस मिलेगा, और आपकी जानकारी के लिए टेस्टिंग के दौरान कौन से लेवल्स पे कितना रेंज रिकॉर्ड किया गया है वो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट एज आई सेड, ये नंबर्स हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है, एंड विच इज बिकॉज ऑफ रोड कंडीशंस, राइडर की बॉडी वेट एंड द असिस्टेंस लेवल्स। बाइक की ओवरऑल व्हील डायमेंशन है 27.5 इंचेस, और ये डबल वॉल एलॉय रिम्स के साथ आता है, एंड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इसके साथ आपको या तो केंडा टायर्स या फिर वेंडा टायर्स देखने को मिलेगा, जो कि क्वालिटी के मामले में केंडा टायर्स जैसा ही होता है, मतलब इसके साथ आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। फॉर द सस्पेंशन, तो बाइक में आपको एक फ्रंट फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो 40 mm ट्रैवल एंड लॉकआउट फीचर्स के साथ आता है, और ये राइडिंग के दौरान थोड़ा बहुत शॉक अब्सॉर्ब कर लेता है। बट हाँ, अगर ट्रैवल ज्यादा होता तो ऑफरोडिंग और ज्यादा स्मूथ एंड बेटर होता। गियर्स की बात करें तो इसमें आपको शिमानो टॉनी की 7-speed गियर सिस्टम देखने को मिलेगा, बट अगर स्टॉक में रहा तो इसके साथ आपको शिमानो ऑल्टर्स गियर सिस्टम भी मिल सकता है। वहीं पे रही बात ब्रेक्स की, तो इसमें लोकली मेड ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स यूज किया गया है, जिसमें बैटरी कट ऑफ फीचर्स भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा इस बाइक में आपको एक इनबिल्ट क्लाउड कनेक्टेड GPS सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसकी एक्यूरेसी रियल टाइम नेविगेशन के लिए काफी अच्छा है। ये बाइक फेफिट एप्लीकेशन के थ्रू आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसे आप बाइक को नेविगेट कर पाएंगे, अपनी राइडिंग डेटा कैप्चर कर इसे एनालाइज कर पाएंगे, और इवन ये बाइक के लिए एंटी थेफ्ट अलार्म के रूप में भी काम करेगा। एडिशनली इस बाइक के साथ आपको एक हेडलाइट एंड अ पेयर ऑफ मडगार्ड्स भी मिल जाएगा, और ये बाइक IP65 रेटेड है। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी कीमत है 33,500 रुपए, जिसे खरीदने पे इसके साथ आपको 1 साल की लिमिटेड वारंटी मिलेगा फ्रॉम आईब्रूम प्राइवेट लिमिटेड। एंड फॉर द आफ्टर सेल सर्विस, तो बाइक में कोई खराबी आने पे आपको डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड की जाएगी,
बट ये सुविधा फिलहाल पुणे में ही अवेलेबल है। बट कंपनी का कहना है कि वो दूसरे सिटीज में भी अपना नेटवर्क जल्द ही एक्सपैंड करेगी। तो तब तक अगर बाइक में कोई खराबी आए तो आप फिलहाल इनका कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन माय ओपिनियन द बाइक लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी। इसकी मिनिमलिस्टिक डिजाइन, डिसेंट राइडिंग रेंज, गुड क्वालिटी टायर्स, स्मार्ट ऐप विद जीपीएस एनेबल्ड सिस्टम, दिस ऑल आर प्रॉमिसिंग टू मी। बट स्टिल आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंट विद द बिल्ड क्वालिटी एंड द सस्पेंशन सिस्टम। एल्युमिनियम अलॉय फ्रेम होता तो ज्यादा बेटर होता और इससे बाइक की ओवरऑल वेट भी थोड़ा हल्का होता। और दूसरा, इसमें अगर 40mm की बजाय एटलीस्ट 100mm ट्रैवल फ्रंट फोर्क सस्पेंशन होता तो ऑफरोडिंग और ज्यादा स्मूथ एंड जर्क फ्री होता। और तीसरा, मेरे हिसाब से मोटर, बैटरी एंड कंट्रोलर पे एटलीस्ट 2 साल की वारंटी होना चाहिए था। अदरवाइज इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो इस बाइक की फीचर्स एंड स्पेक्स कंपैरेटिवली मुझे अच्छा लगा। वैसे दोस्तों, इस बाइक के बारे में आपकी क्या व्यूज है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो बस यही था फेलिडे इलेक्ट्रिक बाइक और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर सोशल ग्रुप्स। सो दैट्स इट अपॉन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।